बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। कार्बेनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो माइनस आई के होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और प्लस आई के होती है इनवर्सली। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है रिजोनेंस वाले कंपाउंड की, फिर उसके बाद माइनस आई, फिर जीरो वाला और सबसे कम स्टेबल होता प्लस वाला कार्बन आयन। यहां पर देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं इस वाले कार्बन आयन के पास कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, ना तो माइनस वाला है ना प्लस वाला। इस वाले कार्बन आयन के पास एक प्लस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है। इस वाले कार्बन आयन में दो प्लस वाले ग्रुप लगे हैं और इस वाले कार्बन आयन में तीन प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं। अब प्लस आई के कारण स्टेबिलिटी घटती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां पे देखो तीन तीन प्लस वाले लगे हुए, तो यहां पर होगा मोर प्लस आई। अब यहां पर मोर प्लस आई है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी कम। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पे लगा है फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रभाव होता है माइनस आई, ओएच, ओएच का भी माइनस आई होता है और एनएच टू का प्रभाव भी होता है माइनस आई। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आई होता है फ्लोरीन का, मोर माइनस आई, और सबसे कम माइनस आई होता है लेस माइनस आई। अब माइनस आई के स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो जिस कार्बन आयन में माइनस आई ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का माइनस आई होता है, यहां पर भी फ्लोरीन का माइनस आई होगा, यहां पर भी फ्लोरीन का माइनस आई होगा। अब यहां पर जो माइनस आई फ्लोरीन वाला ग्रुप है वो कार्बन आयन के पास है, तो यहां पर इसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं मोर माइनस आई, और यहां पर डिस्टेंस बढ़ गया और यहां वाले कार्बन आयन के पास डिस्टेंस और भी ज्यादा हो गया, तो यहां पर होगा लेस माइनस आई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें ज्यादा माइनस आई है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पर देखते हैं नेगेटिव सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा, नेगेटिव सिंगल डबल यहां पे दो दो तरफ से रिजोनेंस हो रहा, तो यहां पर हो रहा मोर रिजोनेंस। और यहां पर रिजोनेंस नहीं हो रहा, नो रिजोनेंस, तो स्टेबल होगा सबसे ज्यादा जिसमें ज्यादा रिजोनेंस होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाला कंपाउंड, उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा और सबसे कम स्टेबल होगा थर्ड वाला कंपाउंड, क्योंकि इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा। नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पे रिजोनेंस हो रहा, नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पे भी रिजोनेंस हो रहा, नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पे भी रिजोनेंस हो रहा, अब ये वाला कार्बन आयन है 2 डिग्री, ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ 2 डिग्री, ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन आयन है 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा होगी 1 डिग्री की। 1 डिग्री के बाद आएगा 2 डिग्री कार्बन आयन, और 2 डिग्री के बाद आएगा 3 डिग्री कार्बन आयन,
सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं अपन, नेगेटिव सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा यहां पर, नेगेटिव डबल यहां पर रिजोनेंस नहीं हो रहा, पर यहां पर डबल बॉन्ड का होगा माइनस आई और यहां पर कार्बन आयन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और मिथाइल ग्रुप का होता प्लस आई प्रभाव, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें रिजोनेंस होगा, फिर उसके बाद माइनस आई वाला कार्बन आयन और सबसे कम होगा ये प्लस आई वाला कार्बन आयन। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं अब, चारों कंपाउंड में रिंग तो समान है, क्लोरीन का होता है माइनस आई और मिथाइल का होता है प्लस आई और ओ सी एच थ्री इस वाले ग्रुप का होता प्लस एम। यदि अपन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा माइनस एम, माइनस एम के बाद आएगा माइनस आई और माइनस आई के बाद आएगा प्लस आई और सबसे कम स्टेबल होगा प्लस एम वाला कंपाउंड। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर वाला होगा लेस स्टेबल और फर्स्ट वाला कंपाउंड होगा मोर स्टेबल कार्बेनायन।